नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा अरिहंत की रसोई में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरिहंत की रसोई का मकसद है हर रेसिपी को आप तक बहुत ही आसान तरीके से पहुँचाना। आइए इस क्रम में आज बनाते हैं। बना रहे हैं हम या काबुली चने। ये मैंने यहाँ पर देखिए 200 ग्राम के करीब ये छोले ले रखे हैं। इन छोलों को मैंने सारी रात के लिए भिगो कर छोड़ दिया था। ये मैं गर्मियों के दिनों में छोले बना रही हूँ। अगर आप जाड़े के दिनों में बनाएंगे तो छोलों में भीगने में और भी समय लग सकता है, इसलिए आप परेशान ना हो। ये छोले हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। हमने छोलों को पहले बॉयल नहीं किया है, जैसा कि लगभग बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले छोले को बॉयल करते हैं उसके बाद उसे मसालों में मिक्स कर देते हैं। हम बहुत ही आसान तरीके से हमेशा की तरह बना रहे हैं। ये देखिए मैंने कड़वा तेल लिया हुआ है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज करिए। ये देखिए एक चम्मच और ये आधा चम्मच, आखिर पंजाबी डिश है कुछ तो तेल जाएगा ही। अब हम अपने इस तेल को गर्म होने देते हैं। मुझे यकीन है दोस्तों कि मेरी ये रसोई आपको रेसिपीज को बहुत ही आसान तरीके से बनाने में समझाने में बहुत ही मदद कर रही होगी, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है, इसे हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे जिससे तेल का कच्चापन खत्म हो जाए। ये हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये एक चम्मच जीरा मैंने लिया है ये डाल देंगे। देखिए हमारा जीरा तड़क रहा है, यानी तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये दो बे लीफ्स हैं तेज पत्ता, ये डाल देते हैं। अब हमारा ये जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए एक चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, लगभग 200 ग्राम छोलों में। इसको हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें ये प्याज का पेस्ट डालते हैं। ये एक कटोरी से कम है क्योंकि प्याज में एक मिठास होती है। और ये देखिए टमाटर का पेस्ट है, ये मैंने देखिए प्याज के पेस्ट से ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि टमाटर में खट्टापन होता है और हमें अपने छोले हल्के खट्टे बनाने हैं। अब हम ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाने देते हैं। मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट में दो हरी मिर्चों का भी यूज़ किया था, उसको भी पीसा था। ये सारा सामान 200 ग्राम छोलों के लिए है। अगर आप इससे ज़्यादा छोले बनाते हैं तो आप मसालों की मात्रा में उसी हिसाब से बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा पेस्ट भुन रहा है, इसे हमें हल्का गुलाबी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बहुत ज़्यादा तलने या भूनने से हमारी सब्जियों के या जो भी डिश हम बना रहे हैं उसके बहुत सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। जब आप इसको भूनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये एक पिंच हींग डाल देते हैं। अब ये हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। आप चाहे तो प्याज लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट की जगह इन्हें कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीसा हुआ इस्तेमाल किया है मिक्सी में पीस करके। अब इसे हम कुछ देर अच्छी तरह से पकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे इस पेस्ट में बुलबुले उठ रहे हैं, ये पक रहा है अच्छी तरह से।
अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। ये हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, ये लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच से कम। मिर्च पाउडर ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट में भी हरा मिर्च इस्तेमाल किया था और अभी हम छोले मसाले का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी मिर्च होता है। ये एक और ये आधा, ये डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर हम डाल रहे हैं। इसको हम अच्छे से सौते कर लेते हैं, एक मिनट के लिए पकने देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें छोला मसाला एक बड़ा चम्मच। ये मैंने होममेड मेरा छोला मसाला है। छोला मसाला घर में कैसे बनाएं इसकी रेसिपी आप मेरे इसी चैनल के दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, या फिर आप बाज़ार में रेडीमेड छोले मसाले मिलते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार की तरह जैसे छोले मिलते हैं बाज़ार में, ये बिल्कुल उसी तरह के छोले तैयार होंगे और बहुत ही आसान तरीक़ों से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इजीली अवेलेबल हैं जो मार्केट में और आपके घर में भी। अब हम इसमें अपना ये 200 ग्राम जो छोला था इसको डाल देते हैं। ये यहाँ पर मैंने बड़े वाले छोले लिए हैं, मार्केट में छोटे छोले भी आते हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी छोला ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है हमारे छोलों का, एकदम बाजार की तरह। इसे एक मिनट हम भूनने देते हैं, इसी में पकने देते हैं मसालों में। अब इसमें हम ये डेढ़ गिलास के करीब पानी मिलाते हैं क्योंकि छोले बहुत रसीले नहीं बनते हैं, ये लटपटे से खाए जाते हैं। ये हमारा डेढ़ गिलास के करीब पानी इसमें डाला। अब हम इसमें ये एक बड़ा चम्मच नमक डालते हैं, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। छोला पकने में कड़ा होता है इसीलिए हम इसमें ये 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा, या जिसको आप मीठा सोडा कहें, वो डालते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा दोस्तों तो हम अपने कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और आराम से इसे आधे घंटे के लिए स्लो फ्लेम पर, या फिर जब तक हमारे छोले पूरी तरह से कुक नहीं हो जाते तब तक के लिए पकने देंगे। आधे घंटे के करीब हो चुका है, ये हम अपने छोलों को खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारे छोले कितनी अच्छी तरीके से ये कुक हो चुके हैं। हम इसे देख लेते हैं निकाल के कि ये गले हैं कि नहीं। ये देखिए ये हमारे, ये देखिए ये छोले कितने अच्छे गल चुके हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट एकदम बढ़िया छोले, बिना बॉयल किए हुए ये छोले हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इन छोलों को बॉयल नहीं किया हुआ है। देखिए हमने बिना बॉयल करे हुए कितने अच्छे छोले बनाए हैं, बिल्कुल बाजार की तरह छोले।
आधे घंटे में जब तक हमारे छोले बने, दूसरी ओर आप अपने खाने के लिए चावल भटूरा कुछ भी बना सकते हैं। समय की बचत और एक अच्छी रेसिपी बहुत ही कम समय में तैयार, यही है अरिहंत की रसोई का मकसद दोस्तों, कि आप तक हर रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से पहुंचे और आप बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं बहुत ही आसान तरीके से। अब हम इसे गार्निश करते हैं, ये फ्रेश मिंट लीव्स, ये नींबू की स्लाइस, ये कुछ प्याज की स्लाइस। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर, कितना बढ़िया, टेस्टी, बिल्कुल बाजार की तरह हमारा छोला तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरा ये तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज अरिहंत की रसोई को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। अगले अंक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हेल्थ इज हैप्पीनेस। नमस्कार दोस्तों।